बड़ी खबर है, जहां कोर्ट में पेश हुए आजम खान। तो जयाप्रदा पर अभद्र टिप्पणी के मामले में पेशी हुई है। आजम खान के साथ अब्दुल्ला आजम भी पहुंचे कोर्ट। तो कोर्ट के अंदर सांसद एसटी हसन पहले से ही मौजूद है। आपको बता दें कि जयाप्रदा पर अभद्र टिप्पणी का ये पूरा मामला है, जिसको लेकर ये कोर्ट में आज पेशी। पेशी के दौरान की ये तस्वीर आपके टीवी स्क्रीन पर, और इसमें कोर्ट में पेश होते हुए आजम खान नजर आ रहे हैं। उनके साथ उनके बेटे अब्दुल्ला आजम भी दिखाई दिए। कोर्ट के अंदर सांसद एसटी हसन पहले से ही मौजूद थे। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। तस्वीर भी सामने आई है, आजम खान आपको तस्वीर में नजर आ रहे होंगे, बेटे अब्दुल्ला आजम। और वहीं कोर्ट परिसर के अंदर पहले से ही एसटी हसन जो है वो मौजूद थे। तो जयप्रदा पर अभद्र टिप्पणी का ये पूरा मामला, जिसको लेकर आज कोर्ट में आजम खान की ये पेशी हुई। तो अपने बेटे के साथ कोर्ट पहुंचे, और उसी दौरान की तस्वीर आपके टीवी स्क्रीन पर हम दिखा रहे हैं। कोर्ट के अंदर सांसद एसटी हसन भी मौजूद रहे। संवाददाता इमरान हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। इमरान, कोर्ट में पेश हुए आजम खान, क्या ताजा जानकारी इस पेशी को लेकर? देखिए, आज मुरादाबाद के एमएलए कोर्ट में समाजवादी पार्टी के सत्तावन नेता, पूर्व कैबिनेट मंत्री आजम खान और उनके बेटे अब्दुल्ला आजम, 2019 में लोकसभा चुनाव के दौरान जब एक स्वागत समारोह हुआ था डॉक्टर एसटी हसन सांसद बने, तो उसमें डॉक्टर एसटी हसन द्वारा पूर्व सांसद जयप्रदा फिल्म अभिनेत्री जयप्रदा के लेकर अभद्र टिप्पणी की गई थी, जिसमें कटघर में केस फाइल किया गया था, जिसमें आज आजम का पेश हुए। इसमें अग्रिम तारीख जो है 4 नवम्बर लगाई गई है कोर्ट द्वारा। बिल्कुल, आज पेशी के दौरान क्या कुछ यहाँ पर रहा इमरान? देखिए, सुरक्षा व्यवस्था की बात करी जाए तो जिला प्रशासन द्वारा सुरक्षा व्यवस्था कड़े बंदोबस्त किए गए थे, वो चप्पर चप्पर पुलिस तैनात की गई थी। वहीं छतलैंड में 2008 में एक मामला हुआ था, जहां पर आजम खान समेत समाजवादी पार्टी के काफी नेता एक रोड पर बैठ गए थे, उस प्रकरण में भी आज आजम खान के बयान दर्ज कराए गए हैं। बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। तो जयप्रदा पर अभद्र टिप्पणी का ये पूरा मामला था, जिसको लेकर आज एमएलए कोर्ट में आजम खान की पेशी। इस दौरान अब्दुल्ला आजम भी आजम खान के साथ नजर आए। तो जयप्रदा पर अभद्र टिप्पणी यहां पर आजम खान की तरफ से की गई थी एक कार्यक्रम के संबोधन के दौरान, और अब इस पूरे मामले में एमएलए कोर्ट में पेश हुए। बढ़ेंगे आगे। लखनऊ में समाजवादी पार्टी के कार्यालय में एसपी अध्यक्ष अखिलेश यादव ने विधायकों और पूर्व विधायकों से मुलाकात की। पूर्व प्रत्याशियों को भी सपा कार्यालय में बुलाया गया। चुनाव आयोग को दिए जाने वाले जवाब को लेकर अखिलेश यादव ने पदाधिकारियों से मुलाकात की। 3 नवम्बर तक सभी पदाधिकारियों को पार्टी कार्यालय में शपथ पत्र के साथ वोटर लिस्ट में काटे गए नामों की डिटेल जमा करनी है। तो समाजवादी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष नरेश उत्तम पटेल ने सभी पदाधिकारियों को चुनाव आयोग को दिए जाने वाले जवाब को लेकर पत्र लिखा है। सभी जिला अध्यक्ष नगर अध्यक्ष 3 नवंबर तक काटे गए नामों की सूची उपलब्ध करवाने के निर्देश दिए गए हैं। गलत ढंग से काटे गए नामों की सूची, शपथ पत्र, दस्तावेज और सबूत भी तुरंत मांगे गए हैं। तो समाजवादी पार्टी 3 नवंबर के बाद चुनाव आयोग को इस संदर्भ में जवाब देगी, और इसी को